महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में गुरुवार को दो गुटों में जबरदस्त बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि परिसर में कुछ बाहरी छात्र आ गए थे, जिसका विद्यापीठ के छात्रों ने विरोध किया। इस दौरान किसी ने एक छात्र पर आपत्तिजनक कमेंट कर दिया, तो विवाद का कारण बन गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष की ओर से काफी भीड़ जमा हो गई और हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान एक युवक ने दूसरे पर पिस्टल तान दी। वहीं हाथापाई में घायल डिप्लोमा इन कन्नड़ के एक छात्र ने कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर कई छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है। विद्यापीठ में डिप्लोमा इन कन्नड़ का छात्र हूं। आज मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसका मैगजीन मेरे साथ है। मैं इन लोगों को, अपने भले भैया लोगों को, अपने जान के बचाव के लिए मैं इन लोगों को बुलाया हूँ। और मेरे पास ये वीडियो है, वो लड़का मुझे पिस्टल ताना अब बोला मार देंगे, लेकिन मैंने भी पीछे नहीं हटा। मैं कहा उसको मारो, मैं बोला मारो। घटना को लेकर कॉलेज कैंपस में अफरा तफरी मची रही। इस घटना में कुछ छात्र घायल भी हुए हैं। घटना की सूचना पर ACP नीतू सिगरा थाने की फोर्स के साथ वहां पहुंची और पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चीफ प्रॉक्टर अमिता सिंह ने बताया कि परिसर में कुछ बाहरी छात्र घुस गए थे। इस दौरान एक छात्र ने अन्य छात्रों पर आपत्तिजनक कमेंट कर दिया, जिसे लेकर कैंपस में इस तरह की घटना हुई। इसी दौरान एक युवक ने दूसरे पर पिस्टल तान दी। बताया जा रहा है कि घटना में कुछ छात्रों को थोड़ी बहुत चोट भी आई है। आगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों को चिन्हित कर पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जाएगी। छात्र इस समय क्लासें चल रही हैं और क्लासों के बीच में कुछ बाहरी छात्र अपनी महिला मित्र के साथ आ गए थे और उसी को लेके दो पक्ष में आपसी विवाद हुआ। कौन लोग थे वो जो बाहरी थे? अब छात्रा को नाम बताना तो उचित नहीं लग रहा है, सार्वजनिक करना हमको ठीक नहीं लग रहा है। छात्र ने ही अपने परिचित लोगों को बुलाया था। पिस्टल से भी निकाला गया पूरा। अब जब दो गुट बन गया, दो छात्र के टीम के लोग आमने सामने हो गए, तो बाहरी लोगों ने में से एक छात्र ने पिस्टल निकाला। वो छात्र था कि नहीं था अभी मैं पता कर रही हूँ। पिस्टल निकाला और हमारे गार्ड्स और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उन्होंने उसको बीच बचाव करते हुए अनहोनी होने से बचाया। वहीं ADCP चंद्रकांत मीणा ने बताया कि विद्यापीठ परिसर में दो गुटों के झड़प में एक छात्र के असलहा लहराने की घटना प्रकाश में आई है। पुलिस CCTV के आधार पर आरोपी को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एक तहरीर प्राप्त हुई है। झगड़े के मुख्य वजहों की जांच की जा रही है। थाना क्षेत्र सिगरा के काशी विद्यापीठ की घटना है, जिसमें एक छात्र एक वेपन लहराते हुए दिख रहा है उसमें वीडियो में। हमने एक टीम गठित कर दी है जो वहाँ पे जो कैमरा लगे हुए हैं उसमें जांच करवा रही है और उस छात्र की हम शिनाख्त कर रहे हैं। एक हमें तहरीर भी प्राप्त हो गई है और उसके हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये वायरल वीडियो विद्यापीठ कैंपस का ही है? ये कैंपस का ही वीडियो है और वहाँ जो कैमरा लगे हैं काशी विद्यापीठ के, उनसे हम फुटेज को दिखवा रहे हैं इसमें कौन कौन शामिल था। दो छात्रों के बीच विवाद का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ चीज़ें रही कि वो छींटाकशी मामला है, कुछ चीज़ें पता चली? इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली उसका कारण क्या था, लेकिन जो वीडियो जिसमें दिख रहा है छात्र जो वेपन लहरा रहा है उसकी हम शनाख्त कर रहे हैं और बाकी फुटेज दिखवा रहे हैं कि झगड़े की मेन।